नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज हम पहुंचे हैं लखीसराय के क्यूल। हमारे साथ रेल डीएसपी इमरान परवेज साहब हैं, जो अपने पैसे से यहां की जनता के लिए क्यूल नदी पर पुल निर्माण का कार्य करवा रहे हैं। पुल निर्माण का जो कार्य आप करवा रहे हैं, ये कहां से प्रेरणा मिली? नहीं, प्रेरणा ये हम पहला चीज़ है, हम अपना पैसा नहीं लगाए हैं इसमें। प्रेरणा ये है कि मेरा यहाँ 3 साल हो गया है और आप देख सकते हैं ऊपर रेल का पुल है और बहुत ही संकीर्ण रास्ता है। डेली हजारों लोग इस रेल पुल का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी बीच पटरी पे भी चलते हैं तो कई बार हादसा हो जाती है, लोग कूद जाते हैं ट्रेन के डर से और बहुत लोगों की मौत हो जाती है। और हर साल जो है क्यूल नदी जो बारिश के समय जो है इसमें पानी काफ़ी आ जाती है, तो एक अस्थायी पुल करीब 10 साल से बनते आ रही है और लोगों का ये नीचे से आवागमन जाने के लिए बहुत ही सुचारू रूप से ये अगर बन जाता है तो लोग को बहुत आसान होती है। क्यूल से लखीसराय और चानन के लोग भी जो है कि काफ़ी यहाँ से जाते आते हैं, तो उन लोगों को सुख सुविधा के लिए नीचे का पुल बन जाने से हमारा रेल पुल का उपयोग ये लोग कम करेंगे ताकि हादसा भी ना हो। अभी बहुत सारे लोग बाज़ार जाते हैं आते हैं तो उन लोग के लिए ये अस्थाई पुल का हम लोग सब जन प्रतिनिधि यहाँ के लोग हैं, अगल बगल के नेता लोग हैं और आम लोग हैं, आम लोग के सहयोग के बिना ये पुल का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो सबके सहयोग से अपना सहयोग रहता है, सब विधायक जी भी जो है काफ़ी मदद की, आर्थिक रूप से वो भी मदद करते रहते हैं, हर साल मदद करते हैं, उनके बिना ये पुल का निर्माण नहीं हो पाता। तो सभी के सहयोग से मैं सिर्फ एक फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ अपना स्टाफ के साथ था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कहीं किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो तो हमारा स्टाफ भी, रेलवे का स्टाफ भी रहता है, जीआरपी आरपीएफ सबका सहयोग रहता है, तभी जाके ये पुल का निर्माण होता है। इस पुल का जो है उपयोग लोग यहाँ पर किन किन कार्यों के लिए करेंगे सर? जैसे आप देख सकते हैं कि क्यूल से अगर हमको लखीसराय बाज़ार जाना है तो लगभग 8-10 किलोमीटर घूम के जाना होता है, तो इससे लोगों को जाने में काफ़ी कठिनाई होती है, परेशानी भी होती है। तो यहाँ से लोग जो है कि जो चानन के लोग हैं, जो क्यूल के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, उनको बाज़ार जाने में बहुत आसानी हो जाती है। महिलाएं जो है कि वो भी लखीसराय चली जाती हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन करने जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं, साथ साथ मज़दूर डेली यहाँ से लखीसराय जाते हैं, फिर शाम को मजदूरी करके लौट जाते हैं। तो सभी के लिए ये बहुत उपयोगी अस्थायी पुल है और इसका निर्माण जो है हर साल जो है कि बारिश के बाद ये किया जाता है ताकि लोगों को सुविधा मिले। तो सुन रहे थे, रेल डीएसपी हैं और यहाँ पे ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस पुल के बनने से क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा। नेता जी इधर आइए, युवा नेता हैं, यहाँ के युवा जो हैं वो हर दिन रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए लखीसराय जाते हैं और यही रास्ता है उनका। इतना गांव होगा लगभग? लगभग चानन प्रखंड एक प्रखंड पड़ जाता है और हम लोग का खगौर पंचायत पड़ जाता है, गढ़ी पंचायत पड़ जाता है, रामपुर के लोग भी आते हैं लखीसराय से। लखीसराय स्टेशन पर जो लोग उतरते हैं वो भी जाते हैं क्यूल स्टेशन, क्यूल स्टेशन पर जो उतरते हैं यात्री उनको भी लखीसराय स्टेशन जाना पड़ता है, पैदल ही जाना पड़ता है। अगर लोग नहीं चाहते हैं कि 8 किलोमीटर घूम के आएँ, इसलिए लोग पैदल यात्रा करते हैं लखीसराय क्यूल, क्यूल से लखीसराय। ये पुल जब बन जाएगा तो इससे कितना लोगों को फायदा होगा? बहुत लाखों लाख लोगों को फायदा होगा। तो क्या मांग करते हैं सांसद महोदय से, यहाँ पर स्थायी पुल बनना? सांसद महोदय से हम लोग 4 तारीख को हजारों की संख्या में लोग जाएंगे, हम लोग यह मांग करेंगे कि पुल बनाया जाए, नहीं तो फिर हम लोग अपना जैसे बना रहे हैं स्थायी पुल बनाएंगे, हर साल बनाएंगे और वैसे ही चढ़ेंगे चंदा चिट्टा करके क्या? हाँ नेता जी, पुल बनवाया जा रहा है, क्या फ़ायदा होगा यहाँ के स्थानीय लोगों को? सबसे पहला बात तो पत्रकार महोदय, आप भी एक स्थानीय पत्रकार है जी, ये लखीसराय जिला का सबसे बड़ा कारगर ये योजना है। ये पुल लाखों का आवागमन है, ये चारों दिशा की ये ट्रेन यहाँ क्यूल में रुकती है, प्लस चानन क्षेत्र नहीं अभयपुर तक का ये मार्केट, ये मेरा लखीसराय है। सबसे बड़ा कठिनाई जो पुल बन रहा है, 2 फीट का रास्ता है और जो हमारे बच्चा स्टूडेंट जो जाती है, बच्चा और बच्चिया, सबसे बड़ा कठिनाई उनको है। कई बार हादसा हो चुका और होते आ रहा है, 2 महीना 1 महीना में होते ही है ना। ये जिलाधिकारी यहाँ प्रशासन को सबको संज्ञान में है, मगर यहाँ का जनप्रतिनिधि जो MP हो या विधायक हो, वो अस्थाई पुल ये बन रहा है और वो अस्थाई पुल जो है वो अस्थाई ही रहेगा, समझ ही रहे हैं।
तो जब तक अस्थायी पुल बनेगा नहीं तब तक यहाँ के स्थानीय लोगों का जो है ये समस्या का निदान भी अस्थायी नहीं ना होगा। अस्थायी तो हम लोग हर साल ग्रामीण का सहयोग से क्यूल का प्रशासन का डीएसपी साहब आपकी पूरा प्रयोग किए, रात दिन हम लोग लगे हुए हैं और लोग भी लगे हुए, जितना भी समाज सेवा है यहाँ ग्रामीण का जितना सबका सहयोग से बनता, प्रत्येक साल यहाँ से बनता, 15 साल से यहाँ बन रहा, अभी भी हम लोग का अनुशासन दिलाया जा रहा है कि 1 महीना में पुल का निर्माण हो जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा। 1 महीना तो हो चुका है, सब अगला महीना होगा। अब अगला महीना तो संसद महादेव बोल सकता, हम तो घोषणा नहीं कर सकते, ये मेरा फंड का तो हो सकता उसके अगला महीना, अगला महीना हम तो डीएम साहब से ये गुहार लगाए थे कि हमको खनन विभाग से एनओसी दे दिया जाए, एक पुलिया अपना फंड से हम बना देंगे, 25 लाख का पुलिया मैं कल बना दूंगा। तो डीएम साहब जैसे वो तो फिर 25 लाख वाला पुल से कब तक चलिएगा? जब तक नहीं बनाएगा ये तो हम लोग को करोड़ों वाला पुल बनेगा तब ना होगा, 25 लाख से कब तक करोड़ों का? जनता का सब्र का पैमाना, कितना लाख की आबादी जो है इससे प्रभावित होती है, लाखों की आबादी सर, लाखों का आवागमन होता है। आप देख लिए जी 12 बजे रात तक ये चलते रहती है, 3 बजे भोर में ट्रेन आएगा तो 3 बजे भोर में ये पब्लिक चलती है इस पे। तो नेता जी वोटर मांगने आते होंगे तो उनसे नहीं बोलते हैं कि सब दिन वोट दे रहे हैं? वोट तो देते होंगे ना, समझ में आ रहा है, वोट उठ देते होंगे ना? वोट तो हमेशा देते आए हैं, तो बोलते नहीं है, मांग नहीं रखते? बोले तो ये कि आपकी बना देंगे, हम बना दीजिएगा तो पूरा जनता समर्थन में है, तो उम्मीद है ना? उम्मीद तो अब संसद महादेव बता सकते हैं, नहीं होगा तो फिर क्या नहीं बनेगा, तो जनता समय पे समझा देगा, जनता सर्वोपरि है। एक नारा क्यों नहीं देते? नारा तो दे चुके हैं। कौन सा नारा? नारा तो दे चुके, पुल नहीं तो वोट नहीं, है ना? पुल नहीं बनेगा तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट का तो बहिष्कार कर दिया गया है ना? कितना साल से पुल मांग रहे होंगे? पुल तो बरसों से मांग रहे हैं, तो बरसों में कितना बार वोट भी दे दिए होंगे? कितना बार दे दूंगा, इस बार सब्र का पैमाना बह चुका है। आपकी संसद महादेव बोले कि नहीं 1 महीना के अंदर में हम शिलान्यास कर देंगे, नहीं होगा शिलान्यास था तो वो भी तो इंतजार तक करे ना, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार का पैमाना भागेगा है ना, उसका अंजाम तो जान रहे क्या होगा। अच्छा तो नेताजी को सुने तब क्या पुल बन रहा है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने का काम किया करते हैं। हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में हमारे विधायक जी प्रयास से यह कार्यक्रम को सफल बनाया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आज से कल तक इस पुल का निर्माण किया जाएगा। ऐसे हम लोग इसको दुर्गा फिर वर्षा आएगा यहाँ पर अगर 5-6 फीट तो फिर नदी में ये पुल बह भी जाएगा। हाँ सही बात है, बह जाएगा, फिर पुल बनेगा प्रयास से, फिर प्रयास से पुल बनेगा। लेकिन जिस पुल की जरूरत है वो पुल अभी बनेगा नहीं? नहीं वो पुल भी बनेगा। हम लोग सांसद महोदय से इसका बराबर 15 वर्षों से लगभग डिमांड करते आए हैं और उम्मीद है कि 4 नवंबर को जो लखीसराय क्यार के मैदान में सांसद महोदय का कार्यक्रम होने जा रहा है उसी दिन घोषणा होगा पुल का और उसी दिन शिलान्यास का डेट का घोषणा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से सांसद महोदय के द्वारा 4 नवंबर को शिलान्यास का डेट का कार्यक्रम तय होगा। एकदम पुरजोर तरीके से मांग रहे हैं सांसद, एकदम पुरजोर तरीके से मांग करते आए हैं और इस बार सांसद महोदय देंगे एकदम पक्का। अच्छा ये पुल बनेगा तो इससे फायदा कितने लोगों को मिलेगा? लगभग लाखों के संख्या में चानन वासी तमाम सूरजगढ़ा विधानवासी को इससे फायदा है। कहे थे लखीसराय जिले की एक बहुसंख्यक आबादी जो आज भी नदी पर पीपा पुल बना करके जिला मुख्यालय जाती है और उधर से ही अपना जो भी उपयोगी सामान है बाजार से लेकर आती है और कई बार तो हादसे का भी शिकार हो जाती है। फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ, देखते रहिए। जय हिंद।